हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएसएससी इंटर लेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑफिशियली नोटिस आया है, इसमें आपके रिजल्ट सिद्धि घोषित कर दिए गए हैं और ऑफिशियल कटअप भी जारी कर दिया गया है और मेंस एग्जाम का सिलेबस और डेट भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, सभी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, सिर्फ वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। और जो आप ये सोच रहे थे कि कोई जो क्वेश्चन लिखे हुए थे उस पर क्या बिहार एसएससी ने डिसीजन लिया, तो और जो 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे, धरना बैठे, उसके बाद क्या बातें हुई, तो सभी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। उस वीडियो का क्लिप भी बताएंगे जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट जो पटना गए थे और बिहार एसएससी का ऑफिसर से बात हुआ, उनके जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट के साथ कुछ नेता भी गए थे, जो बिहार एसएससी का ऑफिसर से बात हुआ, क्या क्या बातें हुई, सभी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। सिर्फ वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो लोग भी बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हुए थे उन लोगों के पास ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी सही समय पहुंच पाएगा, जिससे वो लोग जो ऑफिशियल नोटिस आया है रिजल्ट तिथि से संबंधित वो अपना जान ले और अपना रिजल्ट जो चेक कर ले रिजल्ट डेट पर, और जो ऑफिशियल कटअप आया है उसे भी जान ले, क्योंकि कटअप बहुत ही कटअप में चेंजिंग हुआ है और मेंस एग्जाम का डेट और सिलेबस भी जारी कर दिया है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है तो मेंस एग्जाम का सिलेबस और डेट भी जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, पहले मैं ये बताता हूँ कि जो क्वेश्चन लिख होने वाली बातें थी उस पर क्या बात हुआ, जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट पटना गए थे बिहार एसएससी के ऑफिसर से बात किए। तो दोस्तों, क्वेश्चन लिख होने वाली बातें थी उस पर बिहार एसएससी के ऑफिसर ने बताया कि क्वेश्चन जहां तक लिख होने की बात है सरासर गलत है, क्योंकि अगर क्वेश्चन लीक हुए होते तो बिहार एसएससी ने एक नोटिस निकाला था एग्जाम के बाद कि अगर किसी के पास क्वेश्चन लीक होने की जानकारी है तो वो बिहार एसएससी को सूचित करे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी माध्यम से इसे सूचित करे, बिहार एसएससी उस पर जाँच करेगी। अगर क्वेश्चन लीक हुआ था, कहाँ से लीक हुआ था, किसी ने अगर पहले लीक किया है तो उस पर उचित कार्रवाई होगा। लेकिन बिहार एसएससी ने जब जांचा तो उसमें किसी ने पहले तो किसी ने इसके बारे में जानकारी दिया नहीं, लेकिन बिहार एसएससी ने खुद से इस पर छानबीन की तो उसमें यह पाया गया कि जो क्वेश्चन लिख हुए थे सरासर गलत है, क्वेश्चन लिख हुए ही नहीं थे। दरअसल हुआ यह था कि एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट क्या किए कि उसका फोटो खींच करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास इधर से उधर भेजने लगे, जिस कारण से वो क्वेश्चन वायरल होने लगा, सभी ये सोचने लगे कि वो क्वेश्चन एग्जाम से पहले लिख हुए हैं। आप जानते हैं कि बिहार एसएससी जो भी एग्जाम लेता है वो क्वेश्चन अपने पास रख लेता है, अगर अपने पास रख लेता है जब किसी कारणवश वो फोटो इधर से उधर वायरल होगा सब यही सोचेंगे कि क्वेश्चन लीक हुआ है, बस यही कंफ्यूजन था सभी के मन में। लेकिन ये बिहार एसएससी ने क्लियर कर दिया कि जो क्वेश्चन लीक होने की बात थी सरासर गलत थी, वो एग्जाम के बाद किसी ने फोटो खींचकर इधर से उधर वायरल कर दिया तो उसे क्वेश्चन लीक नहीं कहा जाएगा। किसी कारणवश बिहार एसएससी अपना क्वेश्चन अपने पास रख लेता है एग्जाम के बाद नहीं जाने देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं एग्जाम के बाद अगर फोटो वायरल होता है तो उसे क्वेश्चन लीक कहा जाएगा। तो ये जो थे बिहार एसएससी ने क्लियर कर दिया है, तो इसलिए आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, इसका रिजल्ट आ रहा है। और ये 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे, उससे पहले भी गए थे 11 तारीख को, लेकिन उस दिन स्टूडेंट कम थे, लेकिन जब 18 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट पटना गए थे उसके बाद ये ऑफिशियल नोटिस आया है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो सिर्फ फिक्स किया गया था कि किस सप्ताह में आ रहा है, लेकिन आज ये डेट क्लियर कर दिया गया है कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है और मेंस एग्जाम का डेट भी फिक्स कर दिया गया है। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये भी प्रोसेस बता दिया गया है। और दोस्तों, आप भी चाहते हैं बिहार एसएससी से संबंधित पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे जब तक ले इसका पूरा एग्जाम और मेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था तब तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा भी जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उसका सबसे पहले अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल कटअप जारी हुआ है वो मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है वो मैं बताऊँगा। दोस्तों, ऑफिशियल जो कटअप जारी हुआ है उसमें बहुत ही चेंजिंग हुए हैं, इस बार ऑफिशियल कटअप जो है बहुत ही कम जा रहा है। आखिर कम क्यों जा रहा है, इसका 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि एग्जाम 2014 का जो वैकेंसी था 2019 में क्लियर हो रहा है। दूसरा जो कारण है, प्रेजेंटेशन देखा होगा आपने एग्जाम इस समय की प्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। तीसरा, जो ग्रुप डी और लोको का एग्जाम हुआ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जॉब में चले गए, अब इस कारण से इसमें स्टूडेंट का संख्या घट रहा है, इसलिए इसका कटअप बहुत ही कम जाने वाले हैं। और जो ऑफिशियल कटअप आया उसे आप देख लीजिए, मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन कटअप इन्हीं सभी कारणों से शायद कम जा रहा है। जनरल का जो कटअप जा रहा है, जनरल का वो जा रहा है 78। जनरल के बाद बात करते हैं ओबीसी का कटअप, ओबीसी का जो कटअप जा रहा है 73 जा रहा है। ओबीसी के बाद बात करते हैं एससी का कटअप, तो एससी का जो कटअप जा रहा है वो आपका जा रहा है 65। और ईबीसी का कटअप भी जारी कर दिया गया है, ईबीसी का जो कटअप जा रहा है वो जा रहा है 70। उसके बाद बात करते हैं एसटी का कटअप, एसटी का जो कटअप जा रहा है वो 60 जा रहा है। यहाँ एक सर्विस मैन का कटअप नहीं दिया गया है, आखिर क्यों नहीं दिया गया, हो सकता है कि शायद एक सर्विस मैन का उस समय सीट नहीं था या कहीं आगे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, ये तो हो गया आपके कटअप संबंधित बातें, जो मेंस एग्जाम का सिलेबस जारी किया गया है वो जान लीजिए। दोस्तों, मेंस एग्जाम जो आपका होने वाला है वो 2 पेपर में होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2।
पेपर वन में जो क्वेश्चन की संख्या होगा 150 होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 400 नंबर का यानी 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पेपर टू में भी सेम है, 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 400 नंबर का यानी 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा। दोनों में जो पासिंग मार्क चाहिए, जैसे पहले पेपर में भी 30.33%, दूसरे पेपर में भी 30.33%, यानी बात किया जाए तो 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं दोनों में, मतलब पेपर फर्स्ट में भी 45 से 50, पेपर सेकंड में भी 45 से 50 अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपके, समझिए आपके रिजल्ट आ जाएंगे। पेपर वन और पेपर टू में सिर्फ पासिंग होना जरूरी है, इसमें हाईएस्ट नंबर लाना जरूरत नहीं है, आपका जो मेरिट बनेगा फर्स्ट एग्जाम पर ही बनेगा। दोस्तों ये तो हो गया आपके जो जो पेपर वन पेपर टू है। पेपर वन पेपर टू में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उसके लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो बनाया है, उसे जाकर के आप देख लीजिए, जिससे आप क्लियर हो जाइएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा चलिए जो रिजल्ट डेट फिक्स किया गया है उसे मैं बताया था दोस्तों, आपका जो मेंस एग्जाम होने वाले हैं उससे पहले आपका जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट कब आ रहा है वो जान लीजिए। तो दोस्तों पहले ये फिक्स किया गया था कि आपका रिजल्ट अगले महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन आज ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 6 तारीख को आपका अगले महीने में रिजल्ट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है और मेंस एग्जाम का जो डेट क्लियर किया गया है 21 तारीख को अगले महीने में फिक्स कर दिया गया है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड किस तारीख से होगा ये आप सोच रहे होंगे, तो रिजल्ट आएगा उसी डेट पर वो लिंक एक्टिव हो जाएगा, 6 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेंस एग्जाम का सिलेबस जरूर देख लीजिए और उससे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, इससे पहले वाले वीडियो को हमारे देख करके, और नहीं तो चाहते हैं कि जो पीडीएफ है इसका डाउनलोड कर ले मेंस एग्जाम का, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उस पीडीएफ को देख करके डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और दोस्तों चाहते हैं आगे भी पल पल का अपडेट आपको बिहार एसएससी से संबंधित या आगे जो भी एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले सबसे आगे मिलते रहे, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी नया अपडेट आएगा, नई जानकारी आएगा, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के द्वारा भेज दूंगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिलहाल मेरे पास जितनी भी जानकारी थी जो आपके लिए हेल्पफुल हो मैंने बता दी, और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन होकर हमसे वॉइस कॉलिंग वीडियो कॉलिंग बातें करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।